प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी का बेनिफिट कैसे लेना है। एक्चुअली इसमें तीन कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी है ये लो लो इनकम ग्रुप है, फिर मिडिल इनकम ग्रुप 1 है और मिडिल इनकम ग्रुप 2 है। काफी लोगों को लगता है कि ये सब्सिडी लेना थोड़ा मुश्किल है और ये कॉम्प्लिकेटेड है सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल सिंपल। जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसी बैंक से आपको ये एप्लीकेशन करना है। अदरवाइज इनका ऑनलाइन साइट है, यही साइट है वो, ये वेबसाइट है उनका गवर्नमेंट का। तो इसमें जाके भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स लास्ट में आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकली सबमिट करना ही है। सो बेटर आप जहाँ से लोन लिया है आपने वही बैंक में जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं किसको और कैसे बेनिफिट मिलेगा इस आवास योजना का। तो इसमें तीन ग्रुप है। सो EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर वीकर बोल सकते हैं हम उसको, और दूसरा है लो इनकम ग्रुप। जिनका इनकम 6 लाख रुपया तक है और उन्होंने घर लिया है अराउंड 60 स्क्वायर मीटर। 60 स्क्वायर मीटर इनटू इन स्क्वायर फिट मतलब ये अराउंड 650 स्क्वायर फिट का घर उन्होंने लिया है, तो उनको 6 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी कैलकुलेशन करेंगे 6 लाख रुपया तक के लोन तक, और उनको इतना बेनिफिट मिलेगा 2,67,67। यस। और दूसरा है मिडल इनकम ग्रुप, और मिडल इनकम ग्रुप 1 और 2। ये हालांकि लास्ट ईयर 2017 में शुरू हुआ है और उन्होंने उसमें दो ग्रुप बनाए हैं जिनका इनकम 6 लाख से 12 लाख है और जिनका इनकम 12 लाख से 18 लाख है। तो इनका मैक्सिमम घर ये खरीद सकते हैं 160 स्क्वायर मीटर। 160 स्क्वायर मीटर मतलब कितना स्क्वायर फीट होता है, अराउंड 1,700 स्क्वायर फीट के घर तक उनको। अभी उन्होंने अगर 50 लाख रुपया का लोन लिया है तो 9 लाख रुपया तक के लोन पे उनको सब्सिडी मिलेगा। 4% कैलकुलेशन करेंगे वो 9 लाख रुपया का, और उनको अराउंड 2,35,000 का बेनिफिट मिलेगा। सेम है MIG 2, ये थोड़ा हायर इनकम ग्रुप है 12 से 18 लाख, और वो 200 स्क्वायर मीटर तक का घर खरीद सकते हैं। 200 स्क्वायर मीटर मतलब वो अराउंड 2,100 स्क्वायर फीट का घर खरीद सकते हैं, और उनको 12 लाख रुपए तक के लोन पे सब्सिडी मिलेंगी और वो अराउंड 2,30,000 तक होगी। ये गवर्नमेंट ने तीन ग्रुप बनाए हैं, सब्सिडी उनको मिलेगी, लेकिन उसमें कंडीशंस ये है कि फैमिली में, जैसे एक फैमिली इनका कैलकुलेशन के हिसाब से हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, जैसे उनके अगर किसी हस्बैंड या वाइफ दोनों पे नाम पे प्रॉपर्टी है तो अनमैरिड चिल्ड्रन को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे हमारे पिताजी है, पिताजी के नाम पे घर है, उन्होंने सब्सिडी लिया हुआ है, तो अगर मेरी शादी नहीं हुई है और मैंने घर खरीदा तो मुझे नहीं मिलेगी, अनमैरिड चिल्ड्रन को नहीं मिलेगी। और जिनका फर्स्ट होम है, जिनके नाम पे एक ही घर है, यही पहला घर है, उनको ही सब्सिडी मिलेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी पे होम लोन सब्सिडी नहीं मिलेगी। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, आपने ऑलरेडी लोन लेने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट बैंक को दिए ही होंगे, बट मुझे जितना पता है आधार कार्ड इज अ मैंडेटरी। आधार कार्ड के साथ आपको आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो देना है, और जब मैंने एप्लीकेशन किया था तो बैंक ने मुझसे एक नोटरी करवा के लिया था, और नोटरी में वो मायना होता है, वो मायना उन्होंने उनका एप्लीकेशन फॉर्म ही समझो वो वैसा वो डॉक्यूमेंट बना के दिया था। बैंक आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और जैसा एप्लीकेशन चाहिए वैसा वो भरवा के लेते हैं। और जैसे मैंने बताया MIG 1 और MIG 2 एक ग्रुप लास्ट
मैंने बताया MIG1 और MIG2 ग्रुप है। ये स्कीम उन्होंने लास्ट आई थिंक 2017 फेब्रुवरी और मार्च में शुरू हुआ है। हालांकि मुझे ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि मैंने लोन लिया था नवंबर 2016 और ये स्कीम चालू हुआ फेब्रुवरी 2017। तो याद रखो, ये स्कीम के बाद जिन्होंने लोन लिया है उनको ही इसका बेनिफिट मिल सकता है, या उन जिन्होंने भी इसके पहले लोन लिया है उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ये लो इनकम स्कीम है, ये काफी पहले से है और उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। जो भी ये इनकम ग्रुप में फिट होता है वो ले सकते हैं बेनिफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। हमारा ये मतलब कॉमन मैन के रिलेटेड जितने भी थिंग्स है, लाइक जितना भी हम ऑनलाइन घर से कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट करना है, लाइट बिल भरना है, वो सब चीजों का मैंने वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड किया है जो हर एक को काम आएगा। लाइसेंस के रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड करेक्शन के बारे में वीडियोस बनाए, तो आप सब कुछ वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।